दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है? इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है? आखिर ये फिल्म कहां पर शूट हुई है? आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये फिल्म सिर्फ हिट ही नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट हुई? इस फिल्म में दोस्तों किस किस एक्टर ने अपने एक्शन और किलर अंदाज से अपने फैंस को दीवाना बनाया है? इस फिल्म की मेकिंग सबसे ज्यादा कहां हुई है? अगर आप ये सब बातें नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ जान जाएंगे। आजकल लोगों पर अगर किसी चीज का नशा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में पठान मूवी ने थिएटर में कदम रखा है और आते ही अपने अंदाज से दीवाना भी कर दिया है, क्योंकि इस फिल्म में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और बहुत सारे जबरदस्त सीन्स देखने को मिल रहे हैं। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। और इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। इन दोनों की जोड़ी तो हमेशा ही बहुत ज्यादा पसंद की जाती रही है, और जब ये दोनों एक साथ पर्दे पर आते हैं तो इनका जादू फैंस को अपने काबू में कर ही लेता है और ये दोनों मिलके आग लगा देते हैं। इस फिल्म की भी दोस्तों कुछ ऐसी खासियत है, इसीलिए इस फिल्म की धुन सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग कहां हुई और जरा इस फिल्म के कुछ धांसू सीन्स पर भी नजर डालते हैं। लेकिन इन जबरदस्त सीन्स को देखने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इस फिल्म को बहुत से देशों में शूट किया गया है, जैसे स्पेन, यूएई, टर्की, रूस, साइबेरिया, इटली, फ्रांस और अफगानिस्तान। लेकिन पठान मूवी के जो ज्यादा सीन्स दिखाए गए हैं तो वो दोस्तों दुबई के हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान के दुबई से कितने अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। दुबई में शाहरुख खान के बहुत सारे फैंस भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई शेख हो या फिर वहां का कोई अधिकारी हो, सभी लोग शाहरुख खान से मिलजुल कर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में शाहरुख खान के अलावा कोई और हीरो इतना फेमस नहीं है। जब शाहरुख खान का बर्थडे होता है तो दुबई के फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भी उनके बर्थडे की बधाई देखने को मिलती है। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि शाहरुख खान दुबई के लिए क्या मायने रखते हैं। दुबई में एक सीन शूट हुआ था जिसमें शाहरुख खान बड़े बड़े बालों के साथ नजर आए। ये सीन मैदान रेस कोर्स में लिया गया, जिसमें शाहरुख खान घोड़े पर स्टंट करते हुए नजर आए हैं। अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो आपको ये जबरदस्त सीन जरूर ध्यान होगा। अब बात करते हैं फिल्म की जान उस सीन की जिसने फिल्म को एक अलग ही अंदाज में पेश किया है। आपने वो सीन तो देखा ही होगा जब शाहरुख जो हीरो है, जॉन अब्राहम जो विलन है, उनके साथ ट्रक पर फाइट करते हुए नजर आते हैं। ये सीन देखने में जितना मजेदार लगता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि सीन में शाहरुख खान ने किसी भी चीज का कोई सहारा नहीं लिया है। इस सीन को करने के लिए ना तो किसी क्रेन का इस्तेमाल किया गया था और ना ही किसी सेफ्टी पर ध्यान दिया गया था। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये सीन खुद शाहरुख खान ने नहीं किया बल्कि उनकी डमी बॉडी द्वारा ये सीन किया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में ना सिर्फ शाहरुख खान ने अपनी जान लगाई है बल्कि इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगाई है। और इस फिल्म को बनाने के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि अगर बॉलीवुड का कोई किंग है तो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने दिन तक ये फिल्म दुबई में शूट हुई उतने ही दिन तक रोड को बंद कर दिया गया था जहां पर शाहरुख खान फिल्म को शूट कर रहे थे। शाहरुख ने इस फिल्म को बनाने के लिए पहले ही दुबई की अथॉरिटी से बात कर ली थी, इसीलिए शाहरुख को इस फिल्म को शूट करने में कोई परेशानी नहीं आई। अब इस फिल्म का गाना तो आपने सुना ही होगा, जिसे देखकर हर कोई थिएटर में झूमता हुआ दिखाई दिया। इस गाने के नाम झूमे जो पठान है। इसमें दीपिका और शाहरुख खान तो झूम ही रहे हैं, लेकिन उनके डेडली अंदाज को देखकर हर कोई झूम रहा है। इस गाने को विशाल शेखर ने तैयार किया और इस गाने के लिरिक्स कुमार ने लिखे हैं। और सिंगर की बात करें तो इस गाने को जिन बेहतरीन सिंगर्स ने अपनी आवाज दी है उनका नाम अरिजीत सिंह, सुकृति कक्कड़, विशाल और शेखर है। इन्हीं लोगों ने इस गाने को इतना फेमस करवाया है। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान। इस गाने को दुबई और स्पेन में शूट किया गया। आपको बता दें इस गाने की लोकेशन पूरी तरह से असली है। इसमें जितनी भी जगह ली गई है वो सब सच है। साउंड इफेक्ट्स, VFX सब कुछ रियल है। आपको बता दें कि झूमे जो पठान गाने में स्विमिंग पूल लिया गया है, वही बेशरम रंग गाने में भी लिया गया है। अगर बात करें बेशरम रंग गाने की शूटिंग की तो इस गाने को भी स्पेन में शूट किया गया है। इस गाने को दोस्तों हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इसी गाने की वजह से फिल्म इतनी ज्यादा हिट भी हुई है। क्योंकि इस गाने में दीपिका ऑरेंज कलर की बिकनी में नजर आई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इन कपड़े के रंग पर उंगली भी उठाई। ये गाना दोस्तों काफी वाद विवाद में रहा, इसी के कारण बहुत से लोग इस सीन को देखने भी गए। इस गाने पर बहुत से लोगों ने आपत्ति भी जताई, क्योंकि इसमें सिर्फ
दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी ही नहीं पहनी बल्कि छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस गाने ने थिएटर में आग लगा दी, क्योंकि ये गाना दीपिका के कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि शाहरुख और दीपिका की बेहतरीन जोड़ी की वजह से इतना ट्रेंड में चल रहा है। पठान मूवी में एक और सीन देखा गया है जिसमें शाहरुख खान लाल रंग के ट्रक के ऊपर अपने खतरनाक एक्शन में नजर आए थे। ये सीन शाहरुख खान के लिए काफी रिस्की था। इसमें शाहरुख खान ट्रक के दरवाजे पर लटकते हुए नजर आए। इस सीन की सबसे खास बात यह थी कि सीन में ट्रक की स्पीड रियल और काफी तेज थी और शाहरुख खान ने इसी तेज स्पीड में एक्शन को बिना सपोर्ट के करके दिखाया है। ये दमदार सीन किसी हॉलीवुड के एक्शन सीन से कम नहीं था। इस फिल्म में सिर्फ गाड़ी या फिर ट्रक को ही नहीं दिखाया गया बल्कि दोस्तों इस फिल्म में आपको हवाई जहाज भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इस फिल्म के कुछ सीन दिन में शूट किए गए थे तो कुछ रात में, लेकिन कहना पड़ेगा कि शाहरुख ने इस फिल्म को बनाने में दिन रात एक कर दिए। अपनी इसी मेहनत की वजह से उनकी इस फिल्म को लोग इतना ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस मूवी में सबसे पहले हैं शाहरुख खान, जो एज अ हीरो फिल्म में नजर आए हैं। इनके अपोजिट साइड में दीपिका हैं। इस फिल्म में आपको सलमान खान भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका इसलिए मचाया हुआ है कि दोस्तों इसमें शाहरुख दीपिका की जोड़ी तो है ही, साथ में जॉन है, सलमान है, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं और सलमान की एंट्री ने फिल्म में एकदम से जान डाल दी। जॉन एक बार फिर से विलन के रोल में नजर आ रहे हैं और ये इस रोल में बहुत जमते भी हैं। पठान मूवी के लिए दोस्तों इन्होंने अलग ही मेहनत की है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जॉन अपने हीरो वाले अंदाज से ज्यादा विलन के अंदाज में सुर्खियां बटोर रहे हैं और उनके फैंस भी जमकर इनकी तारीफ कर रहे हैं। ये कैसे विलन है जिन्हें हीरो जितना ही पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में आशुतोष राणा और डिम्पल कपाड़िया जैसे महान और फेमस कलाकार भी अपनी अदाओं का जादू चला रहे हैं। इस खूबसूरत कास्ट की वजह से इस फिल्म ने इतनी शोहरत हासिल की है। इसमें सभी का योगदान है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर दोनों ही सिद्धार्थ आनंद हैं। सिद्धार्थ की फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इनकी फिल्मों में VFX का धोखा देखने को कम ही मिलता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी फिल्मों में अच्छे अच्छे और खतरनाक सीन दिखाई जाते हैं और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे कि ये सब कुछ सच है, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ एक धोखा होता है। लेकिन ये सब सिद्धार्थ आनंद की फिल्मों में देखने को नहीं मिलता, यही इनकी फिल्मों को खास बनाता है। आइए बात करते हैं पठान मूवी की कमाई के बारे में। शाहरुख खान ने 4 साल के बाद ऐसी धमाकेदार एंट्री की है जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया है। कहते हैं ना, जब बॉलीवुड पर बुरा वक्त आता है तो उसे बचाने के लिए बॉलीवुड के किंग खान मैदान में उतर आते हैं। इसीलिए शाहरुख खान ने भी बॉलीवुड को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। पठान मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही इतिहास रच दिया है। इस मूवी ने करीब 21 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब हिंदी सिनेमा के पहले दिन और दूसरे दिन हाईएस्ट क्रॉसिंग डे रहे हैं। नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के इतिहास में पहली फिल्म है जिसने पहले दिन करीब 55 करोड़ की कमाई की। NBDC की हिस्ट्री में इस फिल्म ने दूसरे दिन भी 70 करोड़ की कमाई की थी। ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी रिलीज होने वाली फिल्म है जिसने कोरोना के काल के बाद लगातार 2 दिन हाईएस्ट क्लोजिंग ओपनिंग की है। ऐसी फिल्म दिन प्रतिदिन तरक्की करती जा रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, शाहरुख खान की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी बहुत ही शानदार असर किया है। रिलीज के 10 दिन में पठान ने पूरी दुनिया भर में 729 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। दोस्तों, आपको कैसी लगी फिल्म की मेकिंग और फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियां हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का जो बॉयकॉट किया गया है उसने कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए पॉजिटिव काम किया है? इससे भी क्या इसकी हाई बनी है, लोग इसको देखने जा रहे हैं? और क्या आप अभी तक देखने गए हैं शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान? अगर आपने देखी है तो आपको फिल्म कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और कमाल की वीडियो देखते रहने के लिए जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।